মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেব। तो ये आज के बंगाल की तस्वीरें हैं और इसको देखकर ऐसा लगता है कि आज का बंगाल सुलगता जलता उबलता बंगाल है। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद से पश्चिम बंगाल की सियासत का बहुत पुराना रक्त चरित्र एकदम से खुलकर सामने आ गया है। कल ममता की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीटा और आज उनकी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर आए। टीएमसी के नेताओं पर गोलीबारी का आरोप लग रहा है और अब बंगाल हाथ से निकलता देखकर दीदी बौखलाई हुई, धमकी की भाषा पर उतर गई। सुन लीजिए कैसे दीदी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज धमकी भरे अंदाज में बयान दिया और क्या कहा, एक बार आपको सुनना चाहिए। मोदी बाबू अपनार पार्टी के दिए आगुन लगाच्छेन, मने राखबेन, बांग्लाय जदि आगुन लागान आसाम थेमे थाकबे ना, নর্থ ইস্ট থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশ থেমে থাকবে না, বিহার থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যা থেমে থাকবে না, আর দিল্লি থেমে থাকবে না, আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেব। তো দিদি প্রধানমন্ত্রী মোদি কো ধমকি দে রহি হ্যায় কি আপকি কুরসি হিলা দুঁ। ও কহ রহি হ্যায় কি আগর আপ বঙ্গাল মে আগর ইসি তরিকে সে আপকে কার্যকর্তা আগ লাগাতে রহে तो हम बंगाल छोड़िए, हम बिहार उड़ीसा और दिल्ली से लेकर आपकी कुर्सी तक हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सब हिला देंगे। और दीदी की धमकी का जवाब बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखकर दी, जिसमें उन्होंने बंगाल में बदहाल कानून व्यवस्था का जिक्र किया है। उन्होंने ममता के बयान को इंटरनेशनल करार दिया। उधर असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि दीदी की हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की, हमें लाल आंखें मत दिखाइए। ये कह रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा, क्योंकि दीदी ने कहा कि अगर आप पश्चिम बंगाल में आग लगाते रहे तो असम भी नहीं बचेगा, बिहार भी नहीं बचेगा, झारखंड भी नहीं बचेगा और दिल्ली भी नहीं बचेगा। ममता का गुस्सा आज सातवें आसमान पर है, क्योंकि कोलकाता रेप और मर्डर कांड में वो बुरी तरह घिर गई। कल छात्रों का नबन्ना मार्च था और आज बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे पश्चिम बंगाल में सड़क पर उतर आए। बीजेपी ने आज बंगाल बंद का आह्वान किया था। यह बंद कल कोलकाता में छात्रों पर पुलिस की ज्यादती के खिलाफ था और इस बंद के दौरान आज क्या क्या हुआ हम वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वीडियो कार के अंदर से शूट किया गया है और अब साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे कार के सामने से एक शख्स हाथ में बंदूक लेकर कार पर फायरिंग करता है और कार के अंदर से जो चीखने की आवाज आती है आप सुन सकते हैं। अंदर बैठे लोग झुक जाते हैं, वरना आज उनको ऐसा देखकर लगता है कि उन्हें निश्चित रूप से गोली लग जाए। अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता थे और बाहर जो फायरिंग कर रहे लोग थे वो लोग कौन थे, सवाल ये है। और उसका जवाब ये है कि बाहर जो लोग फायरिंग कर रहे थे वो कोई पुलिस के लोग नहीं थे, वो टीएमसी से जुड़े हुए टीएमसी के कार्यकर्ता थे। अब आप सोचिए कि सत्ताधारी पार्टी के लोग, सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता विपक्ष के आंदोलन को रोकने के लिए गोलीबारी कर रहे हैं, हिंसा का सहारा ले रहे हैं और ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार का ये वही मॉडल है जो कि एक लंबे समय से चला आ रहा। और वो मॉडल क्या है हम आपको अभी विस्तार से बताएंगे। जरा पहले सुनिए कि इस घटना के समय जो मौजूद लोग थे, प्रत्यक्षदर्शी क्या कह रहे हैं। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी है वैसे ही 50 से 60 लोग जो है हमारे गाड़ी को, हम लोगों के गाड़ी के ऊपर जो टारगेट करके बम चलाना शुरू किया है। 7 से 8 जो है बम चला है, उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है जो 6 से 7 राउंड हो, ये पूरा पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिली भगत है। तो आज बीजेपी के प्रदर्शन को रोकने के लिए या उनको डराने धमकाने के लिए टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गोली चलाई, लेकिन क्या यह पहली घटना थी? अगर आप गौर से देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में इस तरह की राजनीतिक हिंसा का एक सिलसिला है और जिसमें कि सत्ताधारी पार्टी के लोग शामिल होते हैं हमेशा। और ये आज आपने देखा कि कल नबन्ना मार्च को दबाने के लिए कल पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी थी,
आज जब बीजेपी सड़क पे उतर आई तो उसको रोकने के लिए पुलिस के साथ साथ टीएमसी के गुंडे भी उतर आए। इसे कहते हैं सरकारी गुंडागर्दी, कि सरकार जो पार्टी सत्ता में है उसके कार्यकर्ता हाथों में हथियार लेकर और विपक्ष के लोगों पर गोलियां चला रहे हैं। और ये वो पार्टी है जो दावा करती रही है, इंडी गठबंधन का हिस्सा है, और वो दावा करती रही है कि वो देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। सोचिए, जो विपक्ष के एक प्रदर्शन को, एक आंदोलन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले एक प्रदर्शन को की इजाजत नहीं दे सकते, वो कह रहे हैं कि वो देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे। जिनके कार्यकर्ता खुलेआम सड़कों पे गोलियां चला रहे हैं विपक्ष के नेताओं पे, विपक्ष के प्रदर्शनकारियों पे, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाएंगे। और क्या ये पहला मौका है? अभी थोड़े दिन पहले ही पुरानी बात, 15 और 16 अगस्त की रात में क्या हुआ है सबको पता है, कि जब रेप और मर्डर के मामले में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे जो छात्र हैं उनके आंदोलन को दबाने में नाकाम हो गई पुलिस, ममता की सरकार नाकाम हो गई, तो वहां भी गुंडे भेजे गए। और 15 और 16 अगस्त की रात में किस तरीके से आरजी कर अस्पताल में क्या क्या हुआ, वो घटनाएं और वो तस्वीरें अभी भी आप लोगों के, दर्शकों के जेहन में जिंदा हो। और वो भी सरकारी पार्टी यानी कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसी पार्टी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। यानी कि जब जब सत्ताधारी पार्टी के लोग या सत्ताधारी पार्टी विपक्ष के या जनता के आंदोलन को दबाने में या रोकने में, कुचलने में नाकाम हो जाती है, वो गुंडागर्दी पे उतारू हो जाती है। और वो दिन भी याद होगा जब संदेश खाली में शाहजहां के सारे गुनाहों को छिपाने के लिए बंगाल पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी थी। फिर जब सेंट्रल एजेंसियों ने कमान संभाली तो ममता के टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मैदान में उतर करके और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ईडी के अधिकारियों पर हमला बोल दिया था। कोलकाता केस में भी वही हुआ। और उसके पहले आपको पता होगा कि जब घोटाला हुआ, शारदा घोटाला, और उसके बाद जो तमाम घोटाले सामने आए उसमें सीबीआई के अधिकारियों के साथ भी यही हुआ था। उनके साथ भी कोलकाता में मारपीट की गई। तो सोचिए कि किस तरीके से सत्ताधारी पार्टी के लोग एक गुंडा राज को वहां बढ़ावा दे रहे हैं। बंगाल में बीते दिनों से जिस तरह का गुंडा राज हावी होता दिख रहा है उसके बाद सियासी विरोधियों का रिएक्शन तो आ ही रहा है, लेकिन इस बार देश की प्रथम नागरिक यानी कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बयान दिया। अमूमन इस तरह के मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर राष्ट्रपति बयान देने से बचती हैं, लेकिन जिस तरह की घटनाएं हो रही है उसे उन्हें भी बोलना पड़ा। और कोलकाता में जो कुछ हुआ उसे राष्ट्रपति ने बहुत दुखद कहा और उन्होंने कहा कि अब बस बहुत हो गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह हताश करने वाला और डराने वाला है यह घटना है। उन्होंने यह भी बोला कि अब बहुत हो गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने यह भी कहा कि निर्भया केस को 12 साल बीत चुके हैं और इस बीच रेप की कई घटनाओं को समाज ने भुला दिया और ऐसे मामलों को भुला देना घृणित है। उन्होंने कहा कि अभी निष्पक्ष और ईमानदार और आत्मनिरीक्षण की जरूरत है ऐसी घटनाओं को लेकर, और समाज को खुद से सवाल पूछने चाहिए। तो इस तरह की बात अगर राष्ट्रपति कह रही हैं तो आप सोचिए कि इस देश का आम जनमानस क्या सोच रहा हो। और इस मामले में अब जब राष्ट्रपति ने बयान दे दिया तो यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने ही वाला, और शायद इन सवालों का शोर दीदी के कानों तक भी पहुंच चुका है। इसलिए सियासत के रण में वो हर चाल चल रही है। मोदी को धमकी देने के साथ साथ दीदी ने एक नया दांव चला है, वो रेप से जुड़े मामलों के लिए एक नया और सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रही हैं और कह रही हैं कि मैं ये कानून विधानसभा में पास करके भेजूंगी और गवर्नर इसे तुरंत लागू कराएं, इसे मंजूरी दें। सोचिए कि किस तरीके से जिसकी सरकार है, जिस पार्टी की, वो विपक्ष की तरफ व्यवहार कर रहा है। आज कानून व्यवस्था को लेकर बंगाल सरकार निशाने पे है तो सीएम ममता बनर्जी सरकार और विपक्ष दोनों की भूमिका में दिखने को बेताब है, और उसके लिए वो
क्या क्या कर रही हैं आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि किस तरीके से जिस पार्टी की सरकार है वही धरना देने उतर जा रहा है, जिस पार्टी की सरकार है वही प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर जा रहा है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है इंसाफ कराने की, इंसाफ देने की, वो विपक्ष की भूमिका में दिखाई देता है। और उसी तरीके से कोलकाता रेप मर्डर केस में घिरने के बाद ममता बनर्जी पीएम मोदी को चिट्ठी लिख रही है, और उस चिट्ठी में क्या लिखा उन्होंने, उस चिट्ठी में दीदी ने कहा कि बलात्कारियों को सजा देने के लिए कड़े केंद्रीय कानून की जरूरत है। और आज केंद्र सरकार की तरफ से ममता बनर्जी जो उन्होंने लिखा था उस पर कल जवाब भी आ गया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सीएम ममता बनर्जी को चिट्ठी का जवाब दिया है, और मंत्री ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल को उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी ममता बनर्जी ने, उसमें उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट का जिक्र किया था। तो उसके जवाब में जो लिखा है केंद्र ने, उसमें उन्होंने कहा है कि 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट आवंटित किए गए थे पश्चिम बंगाल को, जिसमें से 20 विशेष पॉक्सो अदालतें और 103 संयुक्त फास्ट ट्रैक कोर्ट शामिल थे, जो कि बलात्कार और पॉक्सो से जुड़े हुए मामलों को निपटाने वाले थे, लेकिन इन अदालतों में से कोई भी जून 2023 तक चालू नहीं किया गया। आप सोचिए, एक साल पहले तक एक भी अदालत नहीं शुरू हुई बंगाल में। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने यह भी कहा कि परेशान महिलाओं और बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू किया था, उसे भी टीएमसी की सरकार ने अपने राज्य में लागू नहीं किया। इसी से आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता सरकार, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितनी संजीदा है। यानी हर मोर्चे पर टीएमसी सरकार नाकाम साबित हो रही है, और जब उनकी पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है तो वह पहले राज्य की पुलिस की लीपापोती और उसे बचाने में जुट जाती है, और अब जब मामला पुलिस के हाथ से निकल जाता है तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को सीधे गुंडागर्दी पर उतारू कर देती है। संदेश खाली से लेकर कोलकाता तक सिर्फ इसी तरह का पैटर्न दिखता है, यही तस्वीर दिखाई देती है। तो सवाल तो यही है कि क्या अब राष्ट्रपति शासन के साथ ही बंगाल की तस्वीर बदलेगी, और ये वो सवाल है जिसका कि आने वाले दिनों में जवाब मिल सकता है।